नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों, जब भी हम कोई कार लेने की बात करते हैं, हम कोई कार लेने की सोचते हैं, तो हम किसी सेगमेंट के अंदर एक कार को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें उस सेगमेंट के अंदर एक कार चाहिए। तो उस सेगमेंट के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, कई कंपनियां की कारें होती हैं उसी सेगमेंट के अंदर, तो हमें सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है किसके अंदर हमें अच्छे फीचर मिलेंगे। अगर हम फिर भी किसी कार को सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी कंपनी की एक कार को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद भी उस कार के अंदर कई वेरियंट होते हैं, 3 या 4 वेरियंट होते हैं, उसके अंदर भी फीचर्स का फ़र्क होता है, तो सिलेक्ट करना वहाँ भी मुश्किल हो जाता है। और जब हम फीचर्स के बारे में पता करते हैं, तो हमें कई जगह पे उन फीचर्स के बारे में बताया जाता है, हमें वाउचर के अंदर भी उस फीचर्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उन फीचर, तब हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इसी चीज के बारे में बात होगी। आज हम जिन 2 वेरियंट्स के बारे में बात करेंगे, वो वेरिएंट हैं ब्रेजा के VDI और ZDI प्लस डुअल टोन AGS। जी हाँ, VDI है जो मैनुअल ट्रांसमिशन, और जो है ZDI प्लस वो है ऑटोमेटिक, जिसे AGS कहती है मारुति। वो दोनों के बारे में आज बात होगी, दोनों के फीचर्स के डिफरेंस के बारे में बात होगी, दोनों के प्राइस के बारे में बात होगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न गवाते हुए देखते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है, उसको क्लिक कीजिएगा, और साथ में आपको एक बेल आइकन भी नज़र आएगा, प्लीज़ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम दोनों कारों के फ्रंट में बात करेंगे। फ्रंट की बात, तो सबसे पहले VDI मैनुअल ट्रांसमिशन है ब्रेजा का, वाइट कलर में आप देख रहे हैं। इसके आपको हेडलाइट्स मिल जाएंगे जो हैलोजन सिंपल मिल जाएंगे, और आपको ग्रिल इसकी क्रोम में मिल जाएगी। नीचे आप देख सकते हैं, इसके आपको मिल जाएगी जगह आपको फोग लैंप्स की, लेकिन फोग लैंप्स आपको नहीं मिलेंगे इसमें। और इंडिकेटर आपको जो नीचे स्किड प्लेट मिलेगी, वो भी ब्लैक कलर की मिलेगी। डुअल टोन इसका बम्पर आपको मिलेगा, और आप ये देख सकते हैं इसके हैलोजन हेडलैम्प है, 2 इसके अंदर आपको मिल जाएंगे दोनों, और इसके अंदर कोई आपको DRL नहीं मिलेगा, और इसका ये है क्रोम के साथ। और अब बात करते हैं, ये है ZDI प्लस AGS मॉडल। तो इसका फ्रंट आप देख सकते हैं, आपको डुअल टोन इसमें बम्पर मिलेगा, लेकिन स्किड प्लेट आपको इसमें सिल्वर कलर की मिलेगी, और इसके हेडलैम्प हैं जो आपको प्रोजेक्टर, और साथ में एक आपको DRL भी मिलेगा, और साथ में एक रिफ्लेक्टर मिलेगा, और इसके आप देख सकते हैं ग्रिल वो क्रोम की मिलेगी, जो आपको VDI के अंदर भी क्रोम में मिल रही थी। और इसके अंदर आपको फोग लैंप मिलेगा, लेकिन VDI के अंदर आपको फोग लैंप नहीं मिल रहे थे। जो एक क्रोम ग्रिल है, पहले VDI में नहीं आती थी, पहले सिल्वर आती थी, अब ये क्रोम कर दी गई है, जो आप देख सकते हैं दोनों मॉडल के अंदर आपको क्रोम मिलेगी। अब बात कर लेते हैं साइड की, तो साइड में आपको टायर मिलेंगे 205 के VDI के अंदर, और 16 इंच के इसके अंदर आपको व्हील मिलेंगे विद कवर। आपको बम्पर पे इसके मिल जाएगी इंडिकेटर, और इसके ORVM पे आपको इंडिकेटर नहीं मिलेगा। ORVM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए मिल जाएंगे, बॉडी कलर्ड आपके ORVM होंगे, लेकिन आप इसको इलेक्ट्रिकली फोल्ड नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ना ही आपको इसके अंदर इंडिकेटर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके साइड में इसके डोर हैंडल्स की, तो डोर हैंडल आपको मिल जाएंगे बॉडी कलर्ड, या आपको डोर हैंडल मिलेंगे। साइड में आपको इसके ब्लैक कलर क्लैडिंग मिल जाएगी नीचे से, और आपको पीछे जो बात करते हैं, पीछे इसके आपको मिलेंगे सिर्फ ड्रम ब्रेक, आपको डिस्क नहीं मिलेगी, डिस्क मिलेगी सिर्फ फ्रंट में। 205/60 इसके टायर का साइज होगा, और 16 इंच के इसके अंदर व्हील मिलेंगे स्टील के, व्हील कवर के साथ ब्लैक क्लैडिंग होगी साइड में। अब बात कर लेते हैं ZDI प्लस के, ZDI प्लस के अंदर आपको 16 इंच के अलॉय मिलेंगे, टायर का साइज होगा 215/60, और इसके ORVM में आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, इंडिकेटर आपको बम्पर पे नहीं मिलेगा। ORVM आपको डुअल टोन कलर है, तो डुअल टोन के हिसाब से कलर आपको मिलेगा, इलेक्ट्रिकली आप उसको एडजस्ट और फोल्ड कर सकते हैं। डोर हैंडल पे आपको लॉक अनलॉक के लिए बटन मिल जाएगा, डोर हैंडल भी आपको बॉडी कलर मिलेंगे, इसके भी पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं पीछे से VDI की, तो आपको क्रोम गार्निश मिल जाएगी नंबर प्लेट के ऊपर, पीछे आपको मिल जाएगी सुजुकी का जो लोगो है वो मिल जाएगा, ग्लास के ऊपर आपको कोई भी डिफोगर, वाइपर या वाशर कुछ भी नहीं मिलेगा VDI वेरिएंट के अंदर आपको, ये ना ही आपको डिफोगर मिलेगा ग्लास के ऊपर। ऊपर आपको हाई माउंट इसके आपको ब्रेक लाइट मिल जाएगी, और यहाँ पे आप इसकी बात कर लेते हैं इसकी टेल लाइट्स की, टेल लाइट्स आपको सभी वेरिएंट्स में एक जैसी मिलेगी, लेकिन इसके अंदर आपको बुल हॉर्न वाली LED नहीं मिलेगी, जो आपको ZDI प्लस के अंदर मिलती है, ये वाली आपको नहीं इसके अंदर मिलेगी। आपको नीचे सेंसर मिल जाएंगे, डुअल टोन इसका बम्पर
होगा और इसके नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, लेकिन सेंसर के साथ आपको कैमरा इसके अंदर नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी जो नीचे स्किड प्लेट है, स्किड प्लेट आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की मिलेगी, स्किड प्लेट जो बम्पर के कलर के साथ मैच करेगी, ब्लैक डुअल टोन इसका कलर है जो आपको इसके अंदर। बात करते हैं इसके रूफ रेल की, रूफ रेल आपको मिलेगा ब्लैक कलर का इसके अंदर। अब ZD प्लस की बात करें बैक में, तो आपको सेंसर मिल जाएंगे, कैमरा मिल जाएगा सिल्वर कलर की, आपको स्किड प्लेट मिल जाएगी नीचे। और नीचे अगर आप बात कर लें इसके टेल लाइट्स की, टेल लाइट्स के अंदर आपको बुल हॉर्न LED जो आपको मिलेगी वो मिल जाएगी इसके अंदर। और पीछे आपको क्रोम मिल जाएगी, कैमरा मिल जाएगा जो कि बैजिंग जैसे VDI के अंदर थे वही मिल जाएगी, लेकिन ग्लास के ऊपर आपको डिफोगर भी मिलेगा, वाइपर भी मिलेगा और वॉशर भी मिलेगा आपको। और इसकी बात कर लेते हैं जो ऊपर आपको मिलेगी LED हाई माउंट, आपको स्टॉप लैंप जो है आपका ब्रेक का लैंप वो मिल जाएगा LED, तो वो मिलेगा। अब बात करें इसके रूफ रेल की, तो रूफ रेल आपको सिल्वर कलर में मिलेगा, जो VDI में आपको ब्लैक कलर में मिलते था इसमें सिल्वर कलर का मिलेगा। अब बात करते हैं इंटीरियर की, डोर पे आपको VDI के मिल जाएंगे, पावर विंडो के कंट्रोल लॉक अनलॉक के लिए डोर हैंडल मिल जाएगा जो ब्लैक कलर का मिलेगा, और आपको प्लास्टिक मिलेगी सिंपल। अगर सीट्स की बात करें तो आपको फैब्रिक की सीट्स मिलेंगी, आपको सीट्स को हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एक लीवर होगा पीछे एडजस्ट करने के लिए सीट्स को। नीचे आपको मिल जाएगा फ्यूल गेट ओपन करने के लिए एक लीवर जो आपको सभी मॉडल्स के अंदर मिलेगा। अब बात करते हैं नीचे आप इसको एडजस्ट करने के लिए आपको बटन यहाँ पे मिलेंगे, ORVM को एडजस्ट करेंगे जिनके साथ सिर्फ आप एडजस्ट करेंगे, फोल्ड नहीं कर सकते। हेडलाइट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। AC वेंट्स पे आपको मिलेगी सिर्फ ब्लैक प्लास्टिक, कोई क्रोम या कुछ नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग की बात करें तो आपको कोई भी ऑडियो, कोई कंट्रोल, कोई ब्लूटूथ कंट्रोल, कोई क्रूज कंट्रोल कुछ नहीं मिलेगा इसका, सिंपल स्टीयरिंग होगा, ना ही लेदर मिलेगी आपको। टिल्ट आप स्टीयरिंग को कर सकते हैं लेकिन टेलीस्कोपी नहीं कर सकते, मतलब कि आप रीचेबल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसके अंदर, आपको MID के अंदर मिल जाएंगे, आपको इसके डोर्स की वार्निंग मिल जाएगी, आपको ब्रेक की वार्निंग मिल जाएगी, आपको सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाएगी, आप गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाएगा, लेकिन आप इसके मूड्स चेंज लाइट नहीं कर सकते टैकोमीटर और स्पीडोमीटर की। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो आपको CD, AUX, USB, ब्लूटूथ सब मिल जाएगा इसके अंदर। और नीचे आपको AC मिलेंगे कंट्रोल, जो वो है मैनुअली AC कंट्रोल आपको मिलेगा नीचे, आपको AUX USB और वो मिल जाएगा आपको लगाने के लिए चार्जिंग पोर्ट। अब डैशबोर्ड की बात करें तो आपको दो इसके अंदर मिल जाएंगे ग्लव बॉक्स, जो ऊपर वाला ग्लव बॉक्स है वो कूल नहीं होगा, वो सिंपल ग्लव बॉक्स होगा नीचे भी और ऊपर। नीचे वाले ग्लव बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगी ये सिंपल ग्लव बॉक्स होगा, कोई लाइट नहीं मिलेगी। ये IRVM को आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपको मिलेगा डे नाइट एडजस्ट करने के लिए IRVM। ऊपर कोई भी आपको रीडिंग लैंप नहीं मिलेगा इस कार के अंदर, साफ होगी बिल्कुल। ड्राइवर साइड का वैनिटी जो सनवाइजर, वहां पे आपको कोई मिरर नहीं मिलेगा। पैसेंजर साइड में आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, विदाउट लाइट मिलेगा, कोई लाइट नहीं होगी आपको वहां पे, कोई भी लाइट नहीं मिलेगी। तो इसके अंदर आपको नीचे ना ही कोई पार्सल ट्रे मिलेगी जो आपको ZD प्लस के अंदर मिलती है, कोई भी पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी आपको। दो ग्लव बॉक्स मिल जाएंगे सिंपल। अब बात कर लें इसके अंदर स्पेस की, तो आपको यहाँ पर गियर नॉब के पास स्पेस मिल जाएगा, दो कप होल्डर की जगह आपको मिल जाएगी, पीछे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, कोई भी आर्म रेस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, AC जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ZD प्लस की, तो ZD प्लस के अंदर आपको यहाँ पे क्रोम हैंडल मिल जाएगा, यहाँ पे गार्निश मिल जाएगी सिल्वर कलर की, और आपको यहाँ पे कंट्रोल मिल जाएंगे जैसा VDI के अंदर, लेकिन आपको कलर अलग मिलेगा पूरी डोर का, उससे VDI से अलग बिल्कुल। यहाँ पे सिल्वर की आप गार्निश दे सकते हैं, कप होल्डर यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिलेगा VDI में भी। आपको जो सीट्स हैं फैब्रिक वो VDI में मिलेगी, इसमें मिलेगी, लेकिन इस सीट को आप हाइट एडजस्टेबल भी कर सकते हैं लेकिन उसमें नहीं कर सकते। आप हेडरेस्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं जो VDI में भी कर सकते थे। यहाँ पे आप फ्यूल गेट ओपन करने के लिए, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पुश बटन का स्टार्ट है, वहाँ पे आप उसको मैनुअली की के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एडजस्ट करने के लिए मिलेगा ORVM को, और आप ORVM को फोल्ड भी कर सकते हैं ZDI प्लस के अंदर, और आपको हाइट आप अपनी हेडलाइट्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं। AC वेंट्स के आप ऊपर आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलेगी, आपको स्टेयरिंग पे ऊपर भी आपको थोड़ी सी क्रोम मिलेगी, और आप स्टेयरिंग के ऊपर कंट्रोल मिलेगी ऑडियो के, ब्लूटूथ का कंट्रोल, लेकिन इसके अंदर भी आपको क्रूज नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक मॉडल है। ड्यूअल एयरबैग आपको इसके अंदर मिलेगा। अब इसके MID के अंदर आपको वही कंट्रोल मिलेंगे सारे जो मैंने आपको VDI के अंदर बताए थे, लेकिन इसके आप मूड चेंज कर सकते हैं आप इसके टैकोमीटर और स्पीडोमीटर की, आपको ये मिलेगा इसके अंदर। मैनुअल भी चला सकते हैं आप इस गियर, इस ऑटोमेटिक को, और ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का आपको ऑप्शन इसके अंदर मिलेगा। अब बात करते हैं ग्लव बॉक्स की, इसके अंदर आपको कूल ग्लव बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा और नीचे वाले ग्लव बॉक्स के अंदर आपको लाइट भी मिलेगी, जो इसके अंदर लाइट होगी। इन्फोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर आपको नेविगेशन, ब्लूटूथ, ऑडियो सब इसके अंदर मिलेगा। ऑक्स यूएसबी, नेविगेशन, ब्लूटूथ, अपने फ़ोन के कंट्रोल, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सब मिलेगा। पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी और यहाँ पे आपको एसी के जो मिले कंट्रोल वो ऑटोमेटिक होगा। यूएसबी ऑक्स मिलेगा, नीचे आपको पोर्ट और नीचे मिलेगा आपको एक चार्जिंग पोर्ट आप इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर स्पेस है, जो यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे आपको दो कप होल्डर मिल जाएंगे आपको इसके अंदर भी, लेकिन इसके अंदर आपको आर्म रेस्ट भी मिलेगा। आर्म रेस्ट के अंदर भी आपको स्पेस मिल जाएगा, आर्म रेस्ट आपको लेदर का मिलेगा इसके अंदर। जो सीट्स की बात करें तो फैब्रिक होगी इसके अंदर, सभी मॉडल के अंदर फैब्रिक मिलेगी। चारों डोर के अंदर आपको स्पीकर मिलेंगे, जो VDI में भी था और ZDI में भी था। अब इसके बात कर लेते हैं ऊपर सनवाइजर की, सनवाइजर पैसेंजर साइड में आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाएगा विद लाइट मिलेगा इसमें, जो VDI के अंदर नहीं थी लाइट, वो आपको इसके अंदर लाइट भी मिल जाएगी। लेकिन अगर बात कर लें इसके बीच में आपको मिलेगा सनग्लास होल्डर भी मिल जाएगा, स्पीकर माइक मिल जाएगा, दो रीडिंग लैंप मिल जाएंगे और ड्राइवर साइड का जो सनवाइजर है उसके अंदर आपको टिकट होल्डर मिलेगा, जो VDI के अंदर भी आपको मिलेगा। और IRVM को भी आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, इसके अंदर भी वही फीचर होगा। तो अब बात कर लेते हैं बैक साइड की, तो सबसे पहले बात करते हैं VDI की मॉडल की। तो बैक साइड में डोर कुछ ऐसी है, जो आपको ब्लैक कलर का ही हैंडल मिलेगा, पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाएगा आपको और बोतल होल्डर मिल जाएगा, नीचे एक लीटर की बोतल, स्पीकर। सीट्स आप 60-40 नहीं स्प्लिट कर सकते, आपको सीट्स मिलेगी पूरी तरह से, आप फोल्ड कर सकते हैं पूरी सीट को, और सीट को आप फैब्रिक की मिलेंगी, ये सिर्फ इसके ऊपर लेदर की हो ये एक्सेसरी का। आपको ना ही बीच में कोई आर्म रेस्ट मिलेगा इस कार के अंदर, आपको आर्म रेस्ट की भी नहीं मिलेगा और ना ही कोई एसी वेंट मिलेगा इसके अंदर। एसी वेंट आपको किसी भी मॉडल के अंदर नहीं मिलेगा। ऊपर आपको मिल जाएगा रीडिंग लैंप मिल जाएगा, लेकिन जो फ्रंट में आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा डैशबोर्ड पे आपको थोड़ी सिल्वर गार्निश मिल जाएगी, जो आपको दूसरी का ZDI प्लस के अंदर मिलेगी पियानो ब्लैक की। यहाँ पे आप देखिए कोई एसी वेंट नहीं है, साइड से देखने में कुछ ऐसा लगेगा, आप सीट्स को फोल्ड नहीं कर सकते। अब बात करते हैं ZDI प्लस की, ZDI प्लस के अंदर आपको सिल्वर गार्निश मिलेगी डोर के ऊपर, क्रोम का डोर हैंडल मिलेगा, सीट को आप फोल्ड कर सकते हैं 60-40। एसी वेंट आपको इसके अंदर भी नहीं मिलेगा, जो इसका एक थोड़ा लो लगा लो तो इसकी कमी है सबसे बड़ी ब्रेजा के अंदर, जो आपको एसी वेंट नहीं मिलेगा। साइड से देखने में कुछ ऐसा और फ्रंट पीछे से देखेंगे आप इसका डैशबोर्ड तो ऐसा लगेगा आपको, पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलेगी आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम के पास और रीडिंग लैंप आपको इसमें भी पीछे मिल जाएगा। लेकिन और इसकी बात करें तो सीट आप 60-40 तो स्प्लिट कर ही सकते हैं और आपको इसके बीच में आर्म रेस्ट मिल जाएगा। आर्म रेस्ट है जो, वो आर्म रेस्ट के अंदर भी आपको दो कप होल्डर मिल जाएंगे, इसके अंदर आप दो कप होल्डर रख सकते हैं, लेकिन आपको जो VDI थी उसके अंदर ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये थी बात इसके पीछे की। अब बात करते हैं बूट की, तो बूट आपको दोनों गाड़ियों में सेम बूट मिलेगा, दोनों गाड़ियों के अंदर बूट में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ आप उसके अंदर सीट्स को पूरी फोल्ड कर सकते हैं VDI के अंदर और ZDI के अंदर से 60-40 के हिसाब से अपने बूट को बढ़ा सकते हैं, इसके अंदर पूरा ही बूट बढ़ेगा। इस बूट के अंदर आपको कोई भी लाइट नहीं मिलेगी पीछे और ना ही कोई चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। अब ZDI प्लस की बात करें तो उसके अंदर सेम वही बूट होगा, 60-40 आप स्प्लिट सीट को करके बूट को अपना एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों साइड में आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। अगर बात करें तो इसके गाड़ी के अंदर आपको ZDI प्लस के अंदर आपको यहाँ पे लैंप में मिल जाएगा और एक चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएगा, जो आपको काम की चीज़ है जो आपको मिलेगी। अब की बात करें तो VDI की आपको की ऐसी सिंपल की मिलेगी, जो मारुति की स्विफ्ट डिजायर पहले आती थी वैसी की होगी दो बटन के साथ, और जो ZDI प्लस की है वो आपको मिलेगी ये वाली की, जो मिलती है पुश बटन स्टार्ट के लिए और कीलेस एंट्री के लिए ऐसी की। तो ये थे कुछ फीचर दोनों कारों के। तो दोस्तों आपने देखी ये कारें, दोनों कारों का डिफरेंस आपने इनके फीचर्स के बारे में देखा, इनके जो, अब मैं आपको इनका प्राइस बता देता हूँ, दोनों का प्राइस में डिफरेंस कितना है। तो आपको जो ये ब्रेजा का VDI मॉडल है वो उसकी एक्सशोरूम प्राइस है वो है 8,04,000 रुपये, जो आपको ऑन रोड पड़ेगी 9,35,000 रुपये की।
और जो ZDI प्लस डुअल टोन AGS मॉडल है इसका ब्रेजा का, वो आपको पड़ेगा जो उसकी एक्स शोरूम प्राइस है वो है 10,49,000 रुपये, और जो वो ऑन रोड है आपको तकरीबन वो पड़ेगी 12,42,000 रुपये के करीब आपको वो ऑन रोड पड़ेगी। तो ये था डिफरेंस दोनों वेरिएंट के अंदर, ब्रेजा के VDI और ZDI प्लस डुअल टोन के अंदर। जो VDI है वो मैनुअल ट्रांसमिशन में था और जो ZDI है वो ऑटोमेटिक के अंदर था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, जो मैंने आपको डिफरेंस बताई वो समझ में आ गई? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, और अगर कोई कमी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कोई अच्छी बात लगी हो वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट, बाइक चलाते हैं हेलमेट जरूर पहनिए। धन्यवाद।